हेलो दोस्तों, आज हम बात कराने उत्तराखंड की अशासकीय स्कूलों की नई भर्ती को लेकर न्यू अपडेट के बारे में। इसमें दो स्कूलों के बारे में हम जानेंगे जो कि जिलेवार अलग अलग जिलों में निकाली गई है। इसके लिए कुल कितने पद हैं, योग्यता कैसे आपको अप्लाई करना है, सारा कुछ बताने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट के बारे में। सबसे पहले तो आप लोग देखते हैं, यहाँ पर जो स्कूल का नाम है सनातन धर्म जूनियर हाई स्कूल झंडा देहरादून, ये 23/8/2022 को निकाला गया है। 21 डेज इसकी लास्ट डेट रहती है आपकी, 21 डेज, 21 डेज आप ऐड कर लीजिएगा। इसमें कनिष्क सहायक की पोस्ट निकाली गई है, 12th से अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है। सामान्य के लिए है, एक पोस्ट है, 12वीं पास होना चाहिए, हिंदी इंग्लिश में आपके पास टाइपिंग ज्ञान होना चाहिए जिसमें आप लोग देख सकते हैं, और इंटरमीडिएट होना चाहिए, उत्तराखंड के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, 150 रुपये का चालान लगेगा आपका आपका जो कि जूनियर हाई स्कूल झंडा देहरादून यहाँ पर ही आपको मिलेगा। और इसी स्कूल में जाके आपको यहाँ पर आपको आवेदन करना पड़ेगा, मतलब कि आपको फॉर्म मिलेगा डिमांड ड्राफ्ट लेके जाके, 150 रुपये का पोस्ट ऑफिस डिमांड ड्राफ्ट लेके जाके यहाँ पर ही आपको फॉर्म मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है स्पीड पोस्ट कर सकते हैं फॉर्म मिलने के बाद से, या पंजीकृत डाक द्वारा आप सेंड कर सकते हैं 21 डेज़ के अंतर्गत। इसके लिए आपकी सैलरी वही मिलती है जो गवर्नमेंट में मिलती है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही आपकी रहेगी। दूसरी पोस्ट अगर बात करें यहाँ पर, कार्यालय नागेंद्र इंटरमीडिएट कॉलेज जो कि वजीरा लशिया जनपद जो कि रुद्रप्रयाग में निकली है, ये आपके 22/8 को निकाली गई है, 21 डेज़ की लास्ट डेट है। इसकी भी कनिष्क सहायक की है, सामान्य के लिए है। इसमें भी वेतन ग्रेड आपको देख सकते हैं जो गवर्नमेंट में मिलता है सेम आपका रहेगा, और बाकी आपका इंटरमीडिएट रहेगा सेम। इसमें प्रोसेस इसी जनपद में आपको मिलेगा, यहीं स्कूल में मिलेगा। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो आपका यहाँ पर टॉप 7 कैंडिडेट को यहाँ पर नॉमिनेट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए, और इंटरव्यू की बेस पर आपका यहाँ पर चयन कर दिया जाएगा। टॉप 7 कैंडिडेट आपके यहाँ पर जो है मेरिट बनती है इसमें भी, ठीक है। आपके जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट रहते हैं उसी के आधार पर आपको इंटरमीडिएट बेस पर आपको यहाँ पर जो है बुलाया जाएगा और उसका सिलेक्शन कर दिया जाएगा।